बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। LCC 23 के एक्सपीरियंसेस जो कि आज कल में हुए हैं, ठीक है। आपको पता है टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले बायोलॉजी पोर्शन के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं और उसके बाद मैंने जो है आपके लिए इंग्लिश के पोर्शन के क्वेश्चंस रखे हैं। कोशिश की है कि क्वेश्चंस को मिक्स ना करूँ ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज जिसका जो वीक सब्जेक्ट होगा वो उस पर अच्छे से फोकस कर सके। सबसे पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसका आंसर होगा, मैं रीड करूंगा और आप अगर एक बार सुन भी लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक क्लिक हो जाएगा कि यार इसका ये यहाँ पॉसिबल आंसर था, मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी पोर्शन से, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स आर कॉल्ड, इसका आंसर है एयर, SACS। अगला क्वेश्चन है, लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आंसर एल्वियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिस्पायरेशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, आंसर है सेलुलर। अगला क्वेश्चन है, लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेनियस, SAC, आंसर पेल्योरा। अगला क्वेश्चन है जी, डैश रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस CO2, आंसर सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज गुड डैश, यहाँ पे आगे डैश है, इसका आंसर है रिस्पायरेटरी मीडियम, एयर इज अ गुड रिस्पायरेटरी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कंटेंट्स पर लीटर ऑफ एयर इज, आंसर 200 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेमोग्लोबिन कैन बी कम्प्लीटली ओरिजिनेटेड बाई एन ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ डैश मरकरी, ठीक है, आंसर है 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज अ डैश टाइम विस्कियस देन एयर, आंसर 50 टाइम्स, 50। और कुछ इंग्लिश के जो है मैंने सिनोनियम और एंटोनियम्स डाले हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होती है उस टाइम, ठीक है। कुछ इस तरह के आते हैं कि आपको मतलब ही नहीं समझ आ रहा होता उस वर्ड का। तो सबसे पहले है जी एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड, इसका आंसर है कंडेंस। फिर है जी एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल, आंसर है नेचुरल। एंटोनियम ऑफ एनॉर्मस, आंसर है टिनी। एंटोनियम ऑफ रिकोंडाइट, आंसर है मैनिफेस्ट। एंटोनियम ऑफ एरोगेंट, आंसर है कॉन्साइटेड। सिनोनियम आ गए जी, सिनोनियम ऑफ अलर्ट, आंसर है वॉचफुल। सिनोनियम ऑफ एम्बेजल, आंसर है मिस अप्रोप्रिएट। सिनोनियम ऑफ ब्रीफ, आंसर है शॉर्ट। ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। सब्सक्राइब कर दें और जो है जी बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, और जिन लोगों का पेपर हो चुका है और जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो अगर हो सके तो अपना जो जहाँ तक उनको याद हो एक्सपीरियंस वो किसी भी वीडियो के कमेंट में मुझे जो है जी लिख दें, ठीक है, जहाँ जो क्वेश्चंस आपको याद है ताकि मैं जो है वो क्वेश्चंस बाकी लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से, अल्लाह हाफिज़।